तो वेलकम गाइस, मैं हूं अंश और आप देख रहे हैं EWS। तो गाइस, आज की इस वीडियो में आपने कुरकुरे खाए होंगे, चिप्स खाए होंगे, सभी ने खाए होंगे, कोई भी ऐसा व्यक्ति ना होगा जो ना खाया हो। तो गाइस, आप सबने देखा होगा या फिर बहुत लोग ने सुना है या फिर कहा भी होगा कि जो कुरकुरे चिप्स होते हैं इनमें होता है प्लास्टिक। तो आज की इस वीडियो में यही देखेंगे कि कितना प्लास्टिक होता है। यस गाइस, आपको मैं बताऊँगा कितना प्लास्टिक होता है एक कुरकुरे और एक चिप्स में, केवल एक पीस में। तो चलिए गाइस, आज का वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को करिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए गाइस, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें लेना है एक कुरकुरे, हम ले लेंगे। आपको दिखाऊंगा नहीं कौन सा लिया क्योंकि मैं कोई ऐड नहीं कर रहा हूँ कोई कंपनी का। तो सबसे पहले मैं एक लूँ है कुरकुरे, खाए हैं, आराम से खा सकते हैं आप भी खाइए। आपको एक झलक दिखा देता हूँ कौन सा है, खाने वाले जान जाएंगे कौन सा है। तो अब आप जान ही गए होंगे कौन सा है। तो सिंपली हमें एक कुरकुरे लेना है, थोड़ा बड़ा पीस ले लेता हूँ, दिखेगा वीडियो में अच्छे से। मिल जा। तो ये गाइस, बड़ा सा पीस मैंने ले लिया और ज़्यादा बड़ा सा नहीं। तो ये अब इसको करना क्या है, हम इसको करेंगे, इसको जला देंगे, देखते हैं कितना प्लास्टिक निकलता है। ठीक है गाइस, तो ये मैंने जला दिया इसको। थंबनेल देखकर तो आप जान ही गए होंगे कि हम आज के वीडियो में क्या करने वाले हैं। तो ये देखिए गाइस, कितने प्यार से जल रहा है, अच्छे से धीरे धीरे, और देखिए कितने अच्छे से जल रहा है। ये जल क्यों रहा गाइस, क्योंकि इसमें होता है ऑयल जिससे ये पकता है। ये देखिए गाइस, बगल में ऑयल लग गया है इसमें, शायद आपको दिख रहा हो ना दिख रहा हो अच्छे से, लेकिन हल्का हल्का ऑयल इधर आ गया है। और देखिए कितने प्यार से जल रहा है, और बाद में धुआँ भी बहुत अच्छे प्यार से धुआँ फेंकता है। तो देखिए गाइस, अब इसके बाद जब ये जलने के बाद ये जो काला काला लग जाता है, चिपचिपा, तो ये चिपचिपा इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें तेल रहता है, और दूसरी बात इसमें होता है स्टार्च। रोटियां होती हैं गाइस, रोटियों को आप अपने घर पे जलाइए, बहुत अच्छे से जलेगी क्योंकि उसमें भी स्टार्च होता है और इसमें भी स्टार्च होता है, इसलिए ये अच्छे से जलता है, ऑयल की वजह से हल्का चिपचिपा हो जाता है। तो गाइस, प्लास्टिक भी मैं आपको बताऊँगा, पहले एक चिप्स भी आपको जला के दिखाता हूँ कि चिप्स में क्या होता है। तो चिप्स का ये भी वही नॉर्मल से चिप्स है, खाने वाला खा सकते हैं आप भी खाइए। तो ये इसको भी मैं पहले जलाता हूँ, बहुत अच्छे से जलता है ये भी क्योंकि इसमें भी ऑयल होता है, ऑयल से ही पकेगा और कोई तरीका है नहीं इसको पकाने का। तो देखिए गाइस, कितने प्यार से जल रहा है क्योंकि इसमें ऑयल है, बाकी पेट्रोल में तो पकेगा नहीं, ऑयल में ही पकेगा, फूड ऑयल में ही पकेगा। तो देखिए गाइस, कितने प्यार से जल रहा है अच्छे से, और इसमें गाइस इसका ऑयल देखिए कितना तगड़ा ऑयल, ये देखिए मेरे उंगलियों में लग गया और मेरी उंगली भी चिपचिपाने लगी और चमक भी रही हैं। अब देखिए गाइस, उंगली में लग गया मेरे, ये भी बहुत तगड़ा धुआं करता है। तो अब ये देखिए गाइस, जब अब ये भी बिल्कुल चिपचिपा हो गया, और ये देखिए गाइस, जिसमें जो ऑयल होता है उसको जैसे चिपचिपा हो गया, और स्टार्च जो होता है वो इसको अच्छे से जलाता है। तो स्टार्च को जैसे जलता है, रोटियां जलाइए सुखा के, वो भी अच्छे से जलेंगे। तो गाइस, प्लास्टिक की बात आई यहाँ पर, तो प्लास्टिक घंटा बिल्कुल भी नहीं होता, कुछ नहीं होता प्लास्टिक के नाम पे, सब झूठ है, बकवास। खूब खाइए, खूब खिलाइए, ज़्यादा मत खाइए क्योंकि ज़्यादा खाने से आपकी सेहत बिगड़ सकती है। और रही बात प्लास्टिक की, तो प्लास्टिक घंटा नहीं होती इसमें। तो चलेगा आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आपको यूज़फुल वीडियो रही हो, ये कोई नॉलेज मिला हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक नहीं करते तो अच्छा नहीं लगता। आपके लिए वीडियो बनाते हैं और आप ही लाइक नहीं करते तो मज़ा नहीं आती। और ऐसे काम के वीडियोस और मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल करिए सब्सक्राइब और बेल आइकन कॉल पर सेट कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।